एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इंफॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई, इंफॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इंफॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। जिन लोगों को पोरबंदर से एटीएस की टीम ने डिटेन किया है उनके नाम हैं उमेद नसीर रहवासी श्रीनगर, अनान हयात शॉल रहवासी श्रीनगर और मोहम्मद हाजिम शाह रहवासी श्रीनगर। होने के बाद जो प्राथमिक पूछताछ हुई उसमें इन 3 के अलावा 2 नाम और इनके पूछताछ में निकली और ये 2 व्यक्ति भी ISKP के साथ इन्वॉल्व थे, रेडिकलाइज थे। उनमें से एक का नाम है जुबेर अहमद मुंशी जो श्रीनगर के रहवासी हैं और एक सुमेरा बानू मोहम्मद हनीफ मलिक जो सैयदपुरा विस्तार है सूरत शहर गुजरात के वहाँ के निवासी। 3 लोग जो पोरबंदर में डिटेन हुए उबेद हनान और मोहम्मद और सूरत जो डिटेन हुई सुमेरा बानू उनके प्राथमिक पूछताछ की गई। ये 3 जो पोरबंदर में पकड़े गए थे उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स था, जो उनके मोबाइल फोन्स थे, जो टैबलेट्स थे, उन सबको पंचों के हाजिरी में पुलिस ने कब्जा किया और प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों से मिली तो उससे ये मालूम चला कि ये 3 का प्लान कुछ ऐसा था कि पोरबंदर में किसी फिशिंग बोट को यूज़ करके उसमें एक लेबरर की तरह जाके या किसी भी तरह उनके उनके पास से छड़ी भी मिले हैं, वेपन्स भी मिले हैं, तो शायद ये भी आशंका है कि वो कुछ किडनैप भी करना चाहते होंगे, ये पूछताछ में निकलेगा। लेकिन उनकी इच्छा उनकी उनकी उनका प्लानिंग ये था कि पोरबंदर से वो हाई सी में जाके IMBL में एक डाउ लेके वहाँ से वो अफगानिस्तान ईरान जाएंगे, फिर वहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे और वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर ISKP जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानी जाती है उनका जो उनकी जो इंटेंशंस होती है टेररिज्म के बारे में उसके उसमें वो लोग भाग लें। तो ATS के इस ऑपरेशन से ये चीज सब कुछ होने के पहले इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर सफल कामगिरी कारण हमने इसको रोक पाया। गुजरात पुलिस ATS की टीम सूरत क्राइम ब्रांच के सभी अधिकारी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादी मंसूबों के सामने इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। आतंकवाद के सामने जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात के लिए कटिबद्ध है
और यही जीरो टॉलरेंस की नीति को गुजरात पुलिस कटिबद्धता से अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरों के लिए सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी और ताज़ी खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर क्लिक करो।